नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भाजपा संभागीय कार्यालय पहुंचे, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाए गए विधानसभा क्लस्टर को लेकर बैठक हुई, जिसमें पोलिंग बूथ मजबूत करने बैठक में मंत्र दिए गए, साथ ही लोकसभा में कार्यकर्ताओं को जुट जाने की बात कही गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल के हालातों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बात कहते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से महिलाओं का दैहिक शोषण हो रहा है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं वहां की सरकार और उनकी पुलिस सिर्फ सरकार के इशारों पर काम कर रही है, लगातार महिलाओं का शोषण हो रहा है और सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा जो अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहां के गरीब हितग्राहियों को मिल ही नहीं रहा है। वहीं बैठकों में खुलेआम भाजपा के मंडल अध्यक्ष को गोली मार दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने आरोपी को एक साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जब धरना दिया गया तब जाकर उसमें औपचारिक गिरफ्तारी दिखाकर आरोपी को बाद में छोड़ दिया गया। पश्चिम बंगाल में सिर्फ गुंडों का राज चल रहा है, जिसका समर्थन वहां की टीएमसी की सरकार कर रही है, इसलिए इस अराजकता के माहौल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के द्वारा नीरव मोदी को लेकर भाजपा पर दिए गए बयान पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह की चमक धमक खत्म हो चुकी है, उनका भविष्य खतरे में है, इसलिए अब वह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं अब ऐसी बयानबाजी पर दिग्विजय सिंह पर दया आती है, वह दया के पात्र बन गए, उनके किसी भी बयान को महत्व नहीं दिया जाता। वहीं कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि उनके द्वारा पहले ही कहा गया था कि बीजेपी में उनके लिए दरवाजे बंद है। वहीं कमलनाथ काफी समझदार नेता है, वह कैसे धोखे में आ गए। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी मातृ वंदना की बात करते हैं, वहाँ पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है और टीएमसी के संगठन में कार्यालय के अंदर महिलाओं का देह शोषण हो रहा है और ये पूरी की पूरी बात आपने कल देखा होगा। कम्युनिस्ट पार्टी की नेता वृंदा कारंत भी गई थी, उनसे भी महिलाएं मिली, हमारे लोगों से भी महिलाएं मिली है। उनके पास पट्टे हैं पर ज़मीन नहीं है। उनको प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज प्राप्त करने का अधिकार है पर वो अनाज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये अनाज की जो भ्रष्टाचारी हो रही है वहाँ पर, उसके सिलसिले में ईडी गई थी वहाँ पर और ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था। और जब हमला होने के बाद कार्यकर्ताओं ने वहाँ जाने का प्रयास किया तो वहाँ ये सारे राज खुले हैं। मैं संदेश खली 4-5 बार गया हूँ, मुझे वहाँ के प्रशासन ने जाने से मना कर दिया था। ये जो शेख का नाम सामने आ रहा है, हमारी ऐसे बैठक चल रही थी मंडल की, हमारे मंडल के अध्यक्ष को सब कार्यकर्ताओं के सामने कनपटे पे गोली मार के चले गए, कार्यकर्ता की हत्या कर दी और पुलिस ने इनको साल भर तक गिरफ्तार नहीं किया। साल भर तक घूमते रहे, फिर मैंने जाके धरना दिया था तब उन्होंने गिरफ्तारी की औपचारिकता की थी और वो भी अज्ञात लोगों के नाम से रिपोर्ट लिखी, इनको शंका के आधार पर बरी कर दिया गया। तो वहाँ गुंडे, पुलिस और राजनेताओं का नेक्सस चल रहा है, वहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं। और महिलाओं की वो दुर्दशा है, शायद मेरा ख्याल है कि अब वो सब लोग जो मोमबत्ती लेके छोटी छोटी घटना के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आते थे, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि जाके एक बार बंगाल देख कर आए कि क्या इस देश के अंदर, इस देश के ही प्रदेश पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है कि वहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि वहाँ तो अब राष्ट्रपति शासन लगना ही चाहिए। सर, आज क्लस्टर की बैठक काफी है, क्या मूल उद्देश्य से बताइए? देखिए, सारे देश में 3-4-5 विधानसभाओं के क्लस्टर बने और उन क्लस्टरों पे संगठनात्मक काम ठीक तरीके से हो, चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए, इसलिए देश के सभी नेता उन क्लस्टरों में जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय नेता अमित भाई भी एक क्लस्टर पे आने वाले हैं एक दिन के लिए, नड्डा जी भी एक दिन के लिए क्लस्टर पे आने वाले हैं। हम लोग यहाँ के अलावा बाहर भी जाने वाले हैं, मैं भी बिहार जाने वाला हूँ, गुजरात जाने वाला हूँ, कोच्ची जाने वाला हूँ। तो ये सब हमारे कुल मिलाकर चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये सारे
क्लस्टर के अंदर पोलिंग बूथ को मजबूत करना और पन्ना प्रमुख और पेज प्रमुख की हमारी रचना है वह सार्थक हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। फिर चुनाव का कार्यालय, चुनाव की सारी व्यवस्थाएं कि एक प्रबंध कमेटी की बैठक है, उसमें चुनाव में किस किस की क्या क्या जवाबदारी है संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की बैठक। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।